खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। नागदा बिरला ग्राम थाना पुलिस द्वारा मुहिम चलाकर अवैध शराब की धरपकड़ के आरोपियों को दबोचा। थाना TI मनोहर लाल मीणा द्वारा टीम तैयार कर अलग अलग जगह पर भेजकर अवैध शराब आरोपियों सहित पकड़ा। उसी दौरान क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचने वालों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस के सिकंजे से नहीं भाग पाए और चार लोगों को पकड़ा। देसी शराब 57 क्वार्टर, 12 क्वार्टर अंग्रेजी शराब, 30 बियर का माल पकड़ा, जिसकी कीमत लगभग 10 से 12 हजार रुपये बताई जा रही है। आरोपी इरफान उर्फ गैया पिता अब्दुल लतीफ उम्र 33 वर्ष निवासी ई ब्लॉक टापरी बिरला ग्राम, दूसरे राम निवास पिता राधा कृष्ण जाट उम्र 35 वर्ष निवासी इंगोरिया रोड नागदा, तीसरा अंकित पिता गणेश पाटीदार उम्र 27 वर्ष निवासी महतवास, चौथा संजय ठाकुर पिता रणछोड़ कुमार उम्र 46 वर्ष निवासी केमिकल कॉलोनी के पीछे दुर्गापुरा। इन सभी के खिलाफ धारा 34 आबकारी अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। यह पूरी जानकारी बिरला ग्राम थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा द्वारा दी गई। मीडिया के समक्ष थाना प्रभारी के द्वारा चारों आरोपियों को सामने खड़ा करते हैं, तीन को सामने किया। थाना प्रभारी ने आरक्षक को बोला गया कि चौथे आरोपी को भी भेजो, लेकिन आरक्षक ने रामनिवास पिता राधा कृष्ण जाट को वकील के इशारे पर रवाना कर दिया। आरक्षक ने थाना प्रभारी की बात पर अनदेखा कर अपना काम कर दिखाया। आज अवैध शराब अभियान में दबिश दी थी, जो चार जगह हमने दबिश दी, चार दबिश से चार आरोपियों को चार अलग अलग प्रकरण कायम किए गए। प्रकरण क्या क्या? धारा 34 आपका इंक्रीमेंट के प्रकरण कायम किए। कितनी चारों से कितनी शराब पकड़ी गई सर? इरफान से है, ई ब्लॉक टापरी में रहता है सर, इससे मैं 30 क्वार्टर डिसिप्लिन शराब जब्त की गई है। और राम निवास राधा कृष्ण जाट है जो इंगोरिया रोड रहते हैं, उनसे 20 बियर उनसे जब्त की गई है। इसी प्रकार अंकित पिता गणेश लाल पाटीदार है, इनसे 10 बियर और 12 क्वार्टर इनसे जब्त किए गए। और एक संजय ठाकुर पिता रणछोड़ लाल ठाकुर है 46 साल के लिए, इनसे 27 क्वार्टर कुल जब्त किए गए। इसमें तो सर ये क्या कोई सूचना मिली थी आपको लोगों के पास शराब बेची जा रही थी उसको लेकर? ये बात चली आ रही थी, बोले कि अगर शराब का धंधा कर रहे हैं जिनका, आज हमने उसमें दबिश दी और दबिश देने सर इस कार्रवाई को क्या समझे? कल जो मामला हुआ था 2 दिन पहले मर्डर का आरोपी के, उसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है या फिर वही 4 दिन बाद कार्रवाई होगा फिर यही मामला ठंडे बस्ते में जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लगातार कार्रवाई चलती रही। सर इसको किस प्रकरण में कराया दर्ज? धारा 34 आपका एक। और इसलिए इस दारू की कीमत कितनी हो सकती है? दारू की सबकी अलग अलग कीमत है। नागदा से समय जगत रिपोर्ट। समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।